स्वागत है आपका एक्सप्रेस स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोनत विकासखंड की। ग्राम पंचायत कैलाशपुर क्षेत्र में बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया है। आपको बता दें, विभाग के उपभोक्ताओं के बिजली बिल घर घर बांटने के बजाय खेत में ही फेंक दिए गए हैं। इधर गांव के लोगों ने खेत में पड़े बिजली बिलों को लेकर अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि 3 महीने से बिजली बिल नहीं दिए गए, इस पर विभाग भारी भरकम राशि वसूल रहा है। अब बिल घर भेजने के बजाय खेत में फेंके गए हैं। हालांकि अब बिजली विभाग के जेई कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो लोग खेत में पड़ा, देखे तो बोले भाई इतना इतना बिल किसका पड़ा है। तो उसको उठा के देखे तो पूरा कैलाशपुर गांव वालों का था, सभी जितने हितग्राही। बिजली बिल मतलब मनमाने टाइम तो भेजाया जा रहा। अच्छा, ये टाइम में ना आई तो कहाँ ले भर दिया? कई महीने से बिजली बिल नहीं आया। 3-8 महीना हो गया। और इस बार बिजली बिल कहाँ मिला आप लोगों को? खेत में नंबर में पानी गए तब मिली। आपको बता दें, लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है। बिजली बिल जो है घर पर ना देकर खेत में फेंक दिए गए हैं और इसको लेकर जेई से शिकायत की गई है। उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ये सोनहत विकासखंड के ग्राम पंचायत कैलाशपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर उपभोक्ताओं के बिजली बिल घर पर बांटने के बजाय खेत में फेंक दिए गए। इधर गांव के लोगों ने खेत में पड़े बिजली बिलों को लेकर अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 3 महीने से बिजली बिल नहीं दिए गए। तो आपको बता दें, साफ तौर पर गांव वालों का कहना है 3 महीने से बिजली बिल नहीं दिए गए हैं, विभाग भारी भरकम राशि वसूल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। अब बिल घर भेजने के बजाय खेत में फेंके जा रहे हैं। हालांकि अब बिजली विभाग के जेई कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात है किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 3 महीने से बिजली बिल नहीं गया है लोगों के पास। तो किस तरह से लोग भरेंगे और कहाँ कहाँ पर कनेक्शन काटे गए हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं, वो देखने वाली बात होगी। और कार्रवाई क्या होती है ये भी देखने वाली बात होगी। पर बहुत बड़ी लापरवाही है ये बिजली विभाग की ओर से। आए दिन ऐसे कारनामे सामने आते हैं और फिर एक बार नया कारनामा सामने आया है। उपभोक्ता लगातार परेशान होते हैं और फिर से परेशान हुए हैं। खेत में बिजली बल्ब फेंक दिए गए, साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। और अधिक जानकारी लेंगे शैलेश गुप्ता से। शैलेश, आए दिन हम देखते हैं बिजली विभाग की कोई ना कोई लापरवाही सामने आती है, फिर से कारनामा सामने आया है, बिजली बिल खेत में फेंक दिए गए हैं, आखिर क्यों, क्या वजह थी, पूरी जानकारी। जी, बिजली विभाग के लगातार नए नए कारनामे सामने आते रहते हैं। इसमें एक नया कारनामा सामने निकल के आया है कि उपभोक्ताओं के घर तक बिजली बिल ना पहुँचा करके खेतों में फेंक दिया जा रहा है। जो किसान जब वहाँ पर पहुँचे खेत में अपने, तो देखे कि बिजली बिल पड़ा हुआ है, जिसे देखते हुए उन्होंने डेट उसकी जो देखी, अदायगी की टाइम खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने बिजली विभाग से संपर्क कर जानना चाहा, तो विभाग उन्हें टाल मटोल कर जवाब देता हुआ नजर आया। और जब उपभोक्ता लगातार इस बीच परेशान होते रहे, क्योंकि 3 महीने से उन्हें बिजली का बिल नहीं मिला है, और उन्होंने जब शिकायत की तो विभाग से भी उनको कुछ सीधा आंसर नहीं मिल पा रहा है। जी शैलेश, 3 महीने से इन लोगों को बिल नहीं मिला है और बिल का भुगतान भी नहीं हुआ है, तो क्या इनके बिजली काट दी गई है, कनेक्शन काट दिए गए हैं और पेनल्टीज लगाई गई हैं, इस बारे में जानकारी? जी, बिजली अभी तक तो नहीं काटी गई है, लेकिन जब इकट्ठा 3-4 महीने का बिल आता है तो इसमें उपभोक्ताओं के ऊपर भारी लोड पड़ जाता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें इकट्ठा बिजली बिल पटाने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, और जो 10 रुपए विलंब शुल्क के साथ इन्हें जो जमा करना पड़ेगा, वो हर महीने 10 रुपए के हिसाब से वो अलग लग जाता है। जी, अब किस तरह की कार्रवाई होगी और आपने वहाँ पर लोगों से भी बात की होगी? चलिए आपसे मैं फिर जुड़ूंगी। जेई हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी, और सॉरी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। स्थानीय ग्रामीण हमारे साथ मनोज साहू जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बिजली विभाग की ओर से लापरवाही की गई है, खेत में बिल फेंक दिए गए हैं। क्या क्या परेशानी हुई आपको इस दौरान, पूरी मैं जानना चाहूंगी आपसे जानकारी। जी मैम, यह परेशानी है कि बिजली विभाग के द्वारा
बिजली बिल को सड़कों में फेंक दिया जा रहा है, घरों तक बिजली बिल नहीं पहुंच रहा है। जब बिजली बिल आता है तो दो तीन महीने बाद जब बिजली बिल आता है तो वह अधिक दर बढ़ाकर बिजली बिल आता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण उसका भरपाई नहीं कर पाते हैं और लगातार बिजली विभाग की यह समस्या बनी हुई है। और मनमानी बिल भेजा जा रहा है ना, तो मीटर का रीडिंग चेक किया जाता है। इस तरह के द्वारा लापरवाही बिजली विभाग के द्वारा हो रहा है। पेनल्टी वगैरह कुछ लगी है यहाँ कहीं पर, बिजली कनेक्शन काटा गया हो, तीन महीने से बिजली का बिल नहीं भरा गया है तो? जी मैम, ऐसा बहुत जगह है जहाँ बिजली मीटर नहीं लगा है उसके घर में बिजली बिल आ रहा है। आप बता रहे हैं रीडिंग भी समय पर नहीं होती और रीडिंग करने के लिए आते भी नहीं, इतना कितना लंबा समय हो गया है कि रीडिंग नहीं हो रही है? और क्या आपने शिकायत की है रीडिंग को लेकर पहले भी कभी? जी मैम, इनके जो अधिकारी हैं उनसे बात हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला था कि हालात को सुधारा जाएगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई हालात नहीं सुधरा है। और विगत बहुत दिनों से, दो साल या तीन सालों से क्रिया चल रहा है। रीडिंग नहीं होती है तो बिल भी बहुत ज्यादा आते हैं, क्या इस तरह की कोई परेशानी? जी मैम, बिल बहुत ज्यादा आता है मैम। किसी किसी का बिजली बिल महीने में 7,000, 3,000, 4,000 इस तरह का आ रहा है। तो अगर आप नहीं भरते तो फिर किस तरह की बात कही जाती है? और आपने शिकायत भी की है तो उसमें कुछ रियायत दी जाती है? जी सर से जब बात हुआ था बिजली विभाग के, तो उन्होंने बोला था कि हालात को सुधारा जाएगा, हमारे जो कर्मचारी हैं बिजली चेक करने जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का। कितना समय हो गया आपको इस शिकायत को और ऐसा आश्वासन आपको मिला था? जी मैम, बिजली विभाग के अधिकारी जो जेई थे उनके द्वारा आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की। कितना समय हो गया जब आश्वासन दिया गया था आपको? जी मैम, ये बोला गया था कि हम जल्दी ठीक करेंगे, हमारे कर्मचारी जाएंगे आपके घरों तक जाएंगे, वहाँ जाके आपका रीडिंग चेक करेंगे, इसके बाद बिजली बिल भेजेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वराज एक्सप्रेस आपकी खबर जो है प्रमुखता से दिखा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपकी परेशानियों का हल निकल सके। और लगातार शैलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे